राजाजी नेशनल पार्क व लच्छीवाला रेंज के सटे बुल्लावाला गांव में किसान परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है जंगली हाथियों का झुंड जिन्होंने किसानों की सारी फसलों को रौंद दिया। किसान बसारत अली ने कहा कि हमारी फसलों को नुकसान लगातार हो रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी बार बार शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। 7-8 हाथी डेली आते हैं, गन्ने और धान की फसल को नुकसान पहुंचा कर चले जाते हैं। देर रात भी हाथियों के झुंड ने गन्ने व धान की लगभग 25 बीघा खेती को पूरी तरह से रौंद दिया और किसानों की आजीविका के मुख्य स्रोत खेती को बर्बाद कर दिया। यहाँ के किसान केसीसी कार्ड पर बैंकों से लोन लेकर फसल को उगाते हैं, ऐसे में अब इन किसानों के सामने ये कर्ज चुकाना भी मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी वन विभाग को शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं किसान हाजी नासिर अली ने कहा कि सभी किसानों की फसलों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है, वन विभाग आंख मूंद कर सोया है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पालतू जी सोया हुआ है, बिल्कुल सोया हुआ है। रोज हाथी 7-8 हाथी रोज आ रहे हैं खेतों में और नुकसान बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कल रात भी इन्होंने जो है 7-8 बीघे गन्ने का नुकसान किया, कम से कम 10 बीघे जो है वो धान की फसल की खराब की, और परसों रात भी जो है इन्होंने जो है 15 बीघे कम से कम गन्ने का नुकसान किया, और जो है किसान बहुत परेशान है हाथियों से। ये तो रोज ही देखने में आ रहा है कि रोज रात को जो है हाथी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग गश्त के नाम पे कुछ नहीं, जीरो है, बिल्कुल कोई गश्त नहीं है इनकी, कोई देख रेख नहीं है। किसान रात रात भर जो है जंगलों के किनारे जो है डेरा डाले पड़े हैं, लेकिन ऐसा कोई किसान नहीं है गांव के अंदर जिसकी फसल को हाथियों ने बर्बाद नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।